हेलो दोस्तों, आप सभी को ज्योति प्राची ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज है 14 जनवरी और मकर संक्रांति भी है। आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई है। और आज हम सब लोग थोड़ी सी आप सबको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हम मेरा ससुराल यूपी है, मैं एमपी में रहती हूँ। हमारे यूपी में जो है खिचड़ी का जो त्यौहार यानी पूजा पाठ कैसे किए करते हैं, मैं वो आप सबको दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ कैसे पूजा करते हैं। चलिए ये देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल तो यहाँ पूजा हो रही है और ये तुलसी माता को पानी दे रही है मम्मी। ये देखिए दोस्तों, ये मम्मी दुकान में कर रही है पूजा। मेरी मम्मी आज कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये देखिए दोस्तों, मम्मी मेरी अंदर पूजा कर रही हैं। दीपक जलाते हैं ये बोलना। ये देखिए दोस्तों, आज शनिवार है तो शनिदेव के लिए मम्मी मेरे दीपक जलाती हैं। तो अभी फिलहाल आपने देखा कि मैंने घर की भगवान भगवान की पूजा वूजा करी हूँ। अब मैं जा रही हूँ, जो आज के दिन हमारे मकर संक्रांति के दिन पूजा होती है, क्या क्या चढ़ता है क्या क्या नहीं चढ़ता है मैं आप सबको दिखाने जा रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ उसकी तैयारी करने और मैं दिखाऊंगी कि उसकी पूजा कैसे करते हैं। तो यहाँ पास आप देख लीजिए कि हम सब तैयारी करके रखे हैं। इसमें चावल है, तिल है और ये मूंग की दाल है, आलू है, लाई है और गोभी और नमक हल्दी, इतना सब चीज़ रखा जाता है। और रखने के बाद यहाँ पास मैं देखिए काफ़ी चीज़ रखी हूँ थाली में, यानी हम हैं और हमारे पतिदेव हैं और छोटी वाली बेटी, तीनों जन मतलब इसी तरह थाली में रख के और सूर्य देव को नमस्कार करेंगे और दिखा के सब चीज़, और फिर पंडित को दान कर दिया जाता है। तो चलिए मैं अब सूर्य नमस्कार करती हूँ। ये मेरी मम्मी सूर्य भगवान को कर रही है, ये देखिए। इसको वैसे किया जाता है, ये त्यौहार हम लोग ऐसे मनाते हैं, मकर संक्रांति का त्यौहार हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं। आप कैसे बनाते हैं कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह हमारी जो पूजा होती है मकर संक्रांति की, और जब पूजा संपन्न होने के बाद जो अपने घर के बड़े रहते हैं उनको आशीर्वाद लेते हैं हम लोग, जो बुजुर्ग हों, लड़कियाँ हों, हैं पति जी अभी पूजा कर रहे हैं, तो सब लोग की जो है तो इसी तरह आशीर्वाद हम लोग लेते हैं। और हमारी पूजा इसी तरह यूपी में होती है, जितना मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाया तो मैं तो कर रही हूँ, बाकी तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है फिर भी। और अब आज के दिन हमारे यहाँ जो है तो बनेगी वो खिचड़ी, यानी चावल मूंग की, और उसी में सब चीज़ डाल के आलू टमाटर गोभी मटर डाल के बनाऊंगी मैं उसकी खिचड़ी। आज के दिन हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है और साथ में ये तो मैं हम लोग खाएंगे, और मेरे पति देव के लिए मैं बनाऊंगी अलग से दलिया। दलिया में उसमें भी मैंने सब चीज़ डाल के बनाऊंगी तहरी जैसे,
इसलिए वो चावल नहीं खा सकते हैं, डायबिटीज है उनको। तो फिलहाल मैं जानने वाली हूँ बनाने का। तो ये देख लीजिए, हम घी डाल रहे हैं कुकर में। जैसे मैं आपको बताई थी कि मुझे दलिया का तहरी बनाना है, यानी खिचड़ी जैसे, और चावल का। तो फिलहाल अभी दलिया की तैयारी हो गई है। देख लीजिए, मैंने दलिया को जो भूंज के रख ली हूँ, और यहाँ पास मैंने घी डाल दी हूँ। ज़रूरी नहीं है कि घी डाल के बनाए, लेकिन घी डालने से स्वादिष्ट बन जाता है, इसलिए मैंने घी का उपयोग किया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ लहसुन मिर्चा, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा लाल हो जाए, लाल हो गया है। और तो अब मैं डालूंगी इसमें गोभी, गोभी डाल गई, मिर्च वाली टमाटर डाल दूँ, इसमें मटर भी डाल दीजिए। ऐसे जो हमारी दलिया है बहुत स्वादिष्ट बन जाए, और साथ में टमाटर थोड़ा सा चला दूंगी, इसमें थोड़ा सा मीट मसाला स्वादिष्ट हो जाए, और हल्का सा मैंने इसमें खिचड़ी का तैयार। हल्का सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, और इसको मैं अच्छे से चला देंगे। इसको दो मिनट पकाने देते हैं। उसके बाद मैं इसमें दलिया डालूंगी, पानी डालूंगी, और इसको ढक दूंगी। देखिए मेरी इस तरह रेडी हो गई, खट्टी बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पास हम धनिया भी डाल दिए हैं, ताकि इसमें अच्छे से पक जाएगी। ताकि हर सब्जी में धनिया लास्ट में डालती हूँ, लेकिन ये तहरी है इसलिए मैंने पहले डाल दिया। और मैं इसमें डाल दूंगी दलिया, कंप्लीट हो गई। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, तो वो यहाँ पास मैं दूसरा कुकर चढ़ा दी हूँ, इसलिए कि इसमें मैं डालने जा रही हूँ थोड़ा सा तेल, और यहाँ पास मेरी दलिया जो है, देखिए कुकर में बन के तैयार हो गई है। मैं अभी खोल के दिखा नहीं सकती, इसलिए कि गरम है। इसमें मैं लहसुन मिर्च डाल देती हूँ, ये देखो दोस्तों मम्मी डाल रही हूँ गोभी और मटर। हाँ साथ में मटर, ये हो रही है हमारी चावल की खिचड़ी की तैयारी। हम लोग ना इसी तरह के बाहर मनाते हैं मकर संक्रांति। ये देखो दोस्तों हल्दी डल रही है, ये भी मैं सब जैसे मैं उसका तरीका था दलिया का, उसी तरह तरीका ही इसका भी है। इसके सुगंध से ना बहुत ज्यादा मुझे
इलायची हो गई और जैसे बताया थोड़ा सा दाली इसमें भी डाली थी मम्मी सब्जी मटर वगैरह डाल के बढ़िया सुंदर क्या स्वादिष्ट लगी थी। यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ धनिया की सब्जी इसे भी और इसको मैं अच्छी तरह से चला रही हूँ और यहाँ पास में डालने जा रही हूँ ये चावल। तो मैं धुल के रखती हूँ ये देख लीजिए आप लोग कितना सुंदर है। देखिए 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 इधर स्वादिष्ट कैसे लगेगा कितना अच्छा पुलाव जैसे दिख रहा है ना बहुत अच्छा। और यहाँ पास भी थोड़ा सा घी घी मैं डाल दे रही हूँ टेस्ट के लिए। घी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और यहाँ पास पानी तो फाइनली मेरा खाना रेडी हो चुका है। एक तरफ दलिया की खिचड़ी और एक तरफ चावल की खिचड़ी। हम लोग मकर संक्रांति के दिन यही करते हैं। खाने में काफ़ी टाइम है अभी हम लोग खाएंगे नहीं काफ़ी समय भी है और तब तक जो ये मैं फैलाया उला के रखी इधर आप देख ही रहे होंगे कि कैसे मैं किचन में हालत करके रखी हूँ अपने। तो ये जो फैला वाला है तब तक मैं भी एक आध अभी साफ सफाई करूँगी। और हमारी तरफ से आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं बहुत सारी और इसी खुशी में आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करिए। अगर आप करेंगे नहीं तो मेरा मन नहीं करेगा वीडियो बनाने के लिए। तो आज की वीडियो यहीं तक और आगे की वीडियो देखने के लिए मतलब और मैं वीडियो बनाऊंगी कोशिश करूंगी कुछ न्यू बनाने वाली हूँ आज समझी। तो आने वाले नए ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा मैं क्या बनाने वाली हूँ और कुछ खाने का आइटम है लेकिन बनाने वाली कुछ नया वो आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो ब्लॉग में देखने पड़ेगा। आज की वीडियो यहीं तक ओके गाइस ओके दोस्तों सब लोग से बाय।